और अपने बेस्ट डोमिनार। अब चेक करते हैं इसकी टॉप स्पीड 156 157 158। भाई 160 क्यों नहीं भाग रही है, यहाँ से पहाड़ भी दिखने लग गए हैं। ये है नराजा नज़ारा भाई, बहुत ही सेक्सी सीन है यार, बहुत ही सेक्सी सीन है। ओए होए होए होए, चेक कर रहे हो भाई क्या सेक्सी। अरे पूरा यहाँ से यू टर्न से। अगर आपको लोकेशन का नहीं पता होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये देखो यहाँ पे आ गए हैं, रेस लग चुकी है। डोमिनार हारने 450 जो है, इसको मैं भी दिखा देता हूँ। चलो भाई, हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड कैसे हो आप लोग, आई होप यू आर ऑल गुड। सो भाई गुड तो होने चाहिए भाई जी, आपको तो पता ही है लास्ट व्लॉग जो मैंने डाली थी भाई राइडिंग गियर्स। सो भाई कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना यार मुझे कमेंट में, सबके कमेंट देखता हूँ। बाकी भाई तुम्हारा भाई आज संडे राइड पर जा रहा है फाइनली। एक भाई है मेरे को मिला था तो उनके ग्रुप के साथ ही जा रहा हूँ मैं। वैसे तुम्हें पता ही है मैं ग्रुप राइडिंग करता नहीं हूँ, सिर्फ एक ही बंदा है आकाश, उसी के साथ करता हूँ। और कभी एक दो मिल गए तो वो अलग बात है, बाकी तो कोई चक्कर नहीं। ग्रुप राइड भी कभी कभी कर लेनी चाहिए। अभी देखो वाइजर बंद था और मैंने अभी तक खुला हुआ था और अब बंद है। सो देखो वॉइस में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ रखा होगा। अभी क्या है अंधेरा है ना, इसलिए मैं वाइज़र खोल के ही चला रहा हूँ। बाकी आप कहते हैं यार बाइक की साउंड नहीं आती, यार पहली बात है यार पता है क्या, स्टॉक बाइक है ना तो साउंड उतनी नहीं है, ये सामने वाले को आ जाती है एक बार को, बट वैसे नहीं आ रही। बट वही है, अगर मैं इस पर एग्जॉस्ट या कुछ लगाऊँ जैसे मैं आकाश की बाइक पर ब्लॉग में, तो बहुत सही साउंड आ रही थी कि पता चल रहा था। वही है ना, स्टॉक बाइक की साउंड नहीं आती, एग्जॉस्ट वगैरह लगाओ ना तो और ज़्यादा साउंड अच्छी आ जाएगी। बट अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने एग्जॉस्ट का। बट आज चलो मैं बता दूँ, आज जो संडे राइड है भाई हर कोई जाता है, बट आज स्पेशल क्या है जो मैं दिखाने वाला हूँ कि भाई तुम क्यों देखो ये व्लॉग। अब मैं वो बताता हूँ क्यों देखो, क्योंकि आज मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जो कि भाई बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो सकती है, एक फैमिली ट्रिप कह सकते हो या तो एक फ्रेंड्स के लिए एक स्पॉट हो सकता है। सो उस सब चीज़ के लिए वो जगह है एक सोना वैली करके, नाम से बहुत लोगों ने सुना होगा। चलते हैं देखते हैं क्या सीन है कैसा है, आपको सब बताऊंगा वहाँ पे विजिट करना वर्थ है या नहीं है। लो भाई टनल में आवाज़ सुनो। एम्बियंस तो हम पहुँच गए फाइनली, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ बाइक्स वगैरह। तो भाई अभी पता चला है कावड़ लेके जा रहे हैं भाई हरिद्वार तक। ये देखो भाई पूरा पैदल जाते हैं ये लोग अपना दिल्ली से, और ये अपनी यहाँ की सारी बाइक्स। डिफेंडर आ गया भाई, ये है गाड़ी पे देख रहे हैं अंदर बैठा हुआ बंदा भी। यहाँ से निकल रहे हैं और आज के जो अपने लाइनअप है, एक 250 यामाहा, एक ये हार्ले डेविडसन की है 440, एक ये Z800 और अपने बेस्ट डोमिनार, और ये भी है अपने साथ BMW। यहाँ से भगाते हैं पूरी रफ्तार से। लो भाई व्हील यहाँ भी चालू हो गई है। तो भाई जिस ग्रुप के साथ मैं आया हूँ ना, मैं आपको कहता हूँ ना कि ग्रुप में रूल्स होते हैं ये वो। भाई देखो इस ग्रुप का सीन बहुत अच्छा है,
ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अपना 80 में ही चलो ये वो, अपना भगाओ। बस ये क्या, एक दूसरे में भिड़ो मत, कुछ बंदे होते हैं भिड़ जाते हैं, तो ऐसा मत करो। अब लो भाई इस रोड पे आएगा मज़ा, क्योंकि इसमें भगाने वाले हैं बहुत ही गलत। ये देखो जीनों से कितने प्यार से चल रही है भाई 100 की स्पीड में। खैर मैं भी बहुत प्यार से चल रहा हूँ 100 की स्पीड से, इसमें इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और ये अपना दोस्त साथ साथ चल रहा है, फुल कोऑर्डिनेशन बिठाने की कोशिश कर रहा है। अब भगाते हैं भाई, बहुत प्यार से 150 टच होगी। लो भाई ओ भाई 150 तो बहुत प्यार से टच हो गई। क्या यार 390 चीज ऐसी है कि सुपर बाइक के साथ कोऑर्डिनेट हो जाती है बहुत प्यार से। देख रहे हो इस ग्रुप में कुछ ऐसा नहीं है कि एक के पीछे एक रहना है, वो जो करते हो ना बकचोदी वाली हरकतें ग्रुप वाले लोग, भाई देखो सब अपने रिस्क पे चलाते हैं, तो अपने रिस्क पे चलाओ मज़े लो अगर ग्रुप भी राइड करनी है तो। जो मैं सोना रोड का बता ही रहा था, यहाँ से पहाड़ भी दिखने लग गए हैं। ये भाई पीछे बड़े ही पत्थर फेंकती है, इसके टायर इतने चौड़े हैं ना इसलिए। और ये देखो भाई टोल आएगा, टोल क्रॉस करना पड़ेगा आप लोगों को। व्हील ही उठा रहा भाई। चलो आजा भाई, रेस लग गई है। अरे भाई अब देखते हैं पांचवे गियर पे कितनी जाती है। लो भाई 150 टच हो चुकी है, अब छठा मार देते हैं। भाई अब चेक करते हैं इसकी टॉप स्पीड, 156, 157, 158, 158। भाई 160 क्यों नहीं भाग रही है, क्या हो गया इसको? 160 भागने में क्या दिक्कत आ गई? भाई लोकेशन देखो भाई कितना ही प्यारा है, ऐसा होना चाहिए भाई लोकेशन। हाँ ये देख रहे हो फुल क्रूज कंट्रोल। चलो कुछ तो सरकार ने रोड रखी हुई है ऐसी कि सुपर बाइक ले जा सकते हैं, और ये है रोड उनके लिए। तो देखो आरएस भाई को देखो, अभी दिखाते हो, देखो देखो फुल स्ट्रेच दे रहा है। अभी पकड़ के दिखाते हो तुम्हें, ये देखो ये देखो ये देखो झुक के चला रहे हो भाई साहब। कह रहे बाइक भाग क्यों नहीं रही, बाइक इसलिए तो नहीं भाग रही। अरे भगा भगा भगा, फुल जोर लगा दिया भाई ने, अपनी गाड़ी का जोर लगा दिया। कह रहा बाइक नहीं भाग रही, पीछे का टेल हिल रहा भाई का पूरा ऐसे ऐसे। कह रहा आरन भाई 130 से ऊपर नहीं जाती। ये देखो इसके बराबर की स्पीड पे आऊँ ना अगर तो, ये है ये 135 130, तो ये स्पीड मेंटेन हो रही है अरुण भाई की। भाई से पूछूंगा कि क्या स्पीड शो कर रहा था मीटर में उस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे 130 कर रहा है, क्या क्या पता मेरा मीटर ही खराब हो। कितनी टॉप स्पीड थी तेरी 145 जब तू ऐसे झुक के चला रहा था, और उस टाइम पे मेरे 130 लिखा आ रहा था जब तू ऐसे झुक के चला रहा था। लो भाई सोना रोड के लिए यहाँ से राइट ले लिया हमने, मतलब सोना रोड कह रहा हूँ सोना वैली के लिए। तो ये देखो जैसे हिल की तरह ऊपर जा रहा है, इसलिए भाई नाम इसका सोना वैली है। गाड़ी नहीं है तो स्कूटी पे आ जाओ, स्कूटी तो आजकल यार हर किसी पे है, गाड़ी है तो गाड़ी पे आ जाओ। और कैसा माहौल है, अगर फैमिली टाइप का है तो ठीक है, वो मैं आपको वहाँ पहुँच के ही बता पाऊँगा। लो भाई ये है नज़ारा, ओहो हो ऐसी जगह पे आके भाई कितना मज़ा आ रहा है, पहाड़ वाली फीलिंग आ रही, पूरा पहाड़ पहाड़ का है सीन देख रहे हो भाई पूरा। ये देखो कितना बढ़िया नज़ारा आ रहा है।
यार बहुत ही सेक्सी सीन है। ओए होए 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 चेक कर रहे हो भाई, क्या सेक्सी पहाड़ वाली फील आ रही है यहाँ पे सही में। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत ही मज़ा आ रहा है आज देख के, इतनी बढ़िया फील आ रही है ना। ये देखो भाई क्या लोकेशन है, ये देखो भाई राइडर्स कैसे आ रहे हैं, पूरा यहाँ से यू टर्न ऐसे बढ़िया सा सीन कर रखा है। एसी का है ये, कहाँ मिला? हाँ ये स्टार्ट सो ऐसा कुछ है मिनी उत्तराखंड में सब खड़ गया यार, लगा था ना ऐसे बेल्ट होगा ये तो। ओए 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 बाइक गिर गई बाइक। ओ भाई वैसी है वो है ना डाउन हिल में। चलो भाई यहाँ से अब चलते हैं। भाई कह रहे हैं अंदर चलते हैं, कुछ रेस्टोरेंट वगैरह है फिर बाद में चलेंगे ऊपर। रोड देख रहे हो भाई कितनी बढ़िया रोड है, सिस्टम पूरा बढ़िया। ये भाई लोकेशन है, सीधा ही बोल देता हूँ। देखो गाड़ियों में भी लोग आ रहे हैं और कितना साफ सुथरा रोड है, फुल फैमिली लोकेशन। बाकी अगर आपको लोकेशन का नहीं पता होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या आप मैप पर भी लिखोगे ना सोना वैली तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखते हैं कैसा है रेस्टोरेंट का सीन भी। अब लग रही है बहुत गर्मी। सो भाई वहाँ पे हमने बाइक्स खड़ी कर दी है और ये देखो भाई यहाँ पे आ गए हैं। सो भाई अपना खाने का सीन हो चुका है पूरा, अब निकल रहे हैं यहाँ से ऊपर। हाँ भाई गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लो धूप देख ही सकते होगे। आओ भाई मज़ा अब आएगा, ये देख रहे हो भाई कि बिल्कुल पहाड़ वाले ही रास्ता। अब ऊपर ऊपर चल रहे हैं, देखते हैं ऊपर भी क्या सीन है। फुल भाई पहाड़ की तरह लीन का सिस्टम बना रखा है। ओए सेक्सी हो रखा है यार रोड, दूर दूर तक देख रहे हो, ऐसा सच में ही लग रहा है कि मैं टूर जा रहा हूँ, ट्रिप पर जा रहा हूँ। ये जिस हिसाब से ये है ना, ओए यार बहुत सेक्सी। सो गाइस आप चेक कर सकते हैं यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं क्या सीन रहता है अंदर का, बाइक वाइक जा सकती है, बस ऐसे में क्या है कि ना कील वील ना घुस जाए। ये प्लेस फिर मैं फैमिली के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, घर में हवा कम है यार मेरे, पता चल रहा है मेरे को। सो गाइस एक्चुअली बाइक में हवा कम हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, पता चल रहा था चलाने में भी। अब हवा तो डलवा ली मैंने एंड यहाँ से अब घर जाना है, एंड घर जाने के लिए भाई कम से कम एक डेढ़ घंटा दिखा रहा है, 10:30 बजे तक पहुँचूंगा ऑलमोस्ट। कि यार रास्ते में एक बार मिलता हूँ फिर व्लॉग को भी एंड करना है। एंड जगह कैसी लगी आपको, यही वाली है जगह, अंदर गए थे यहाँ पे कुछ था नहीं, मैंने इसलिए गया था फिर दिखाया नहीं, रिकॉर्ड नहीं किया। फुल मज़े चल रहे भाई C800 के। बट डाउन हिल का भी मैंने सोचा दिखाई देता हूँ कि कैसा व्यू आ रहा है, कैसा लग रहा है। थोड़ा 10 मिनट तक का जो रास्ता है पहाड़ों का तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली पहाड़ों में भी ऐसे ही होते हैं। ये देखो अच्छा हुआ हवा डलवा ली थी भाई।
अरावली का भी क्या ऐसे ही है, ये जो राइट में ऐसे ही पहाड़ दिखते हैं, बट इस तरह रोड नहीं है वहाँ पे। ये देखो भाई क्या ही व्यू आ रहा है, नेक्स्ट लेवल व्यू। तो ये था जो मुझे आपको दिखाना था अपने व्लॉग में कि यार एक ये भी जगह है सोना वैली जो विज़िट कर सकते हैं। मेरा ये फर्स्ट टाइम था, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ठीक है, चलो फर्स्ट टाइम देखा अच्छा लगा, बस ज़्यादा इतना कुछ नहीं। वो एक होता है ना कि रुक के वीडियो शूट करना है तसल्ली से, ऐसा कुछ नहीं हो पाया क्योंकि ना वो गर्मी में इतना नहीं चलता भाई दिमाग। फिर रेस लग चुकी है, डोमिनर हार्ले 450 और 390 के बीच भाई फुल रेस चल रही है दोनों के बीच। बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत है, इसको मैं भी दिखा देता हूँ। चलो भाई बाय बाय। लो भाई 150 मार दी, 500 रुपये 150 दिया यार, छटा ना कर ही नहीं पाता मैं, पता नहीं क्यों। तो बस यार गाइस इतना ही रहेगा व्लॉग में, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना। बाकी आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।